हेलो एवरीवन, ऑटोमेटा सीरीज के लेक्चर नंबर 15 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए, यानी कि कैसे जो हम लोग के पास एक प्रोवाइड होगा डीएफए, कैसे हम लोग उस डीएफए को मिनिमाइज करके उससे छोटा डीएफए बना दें। तो देखिए क्या लिखा है, मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए मीन्स टू रिड्यूस द नंबर ऑफ स्टेट्स पॉसिबल इन डीएफए, यानी कि हम लोगों को क्या करना है, जो भी डीएफए है उसमें जो नंबर ऑफ स्टेट्स हैं उसमें उसको क्या करना है, रिड्यूस कर देना है। मतलब कुछ स्टेट ऐसी भी हो सकती है जो कि क्या हो, हम लोगों के काम की ना हो, उसको हम लोग रिड्यूस कर देंगे उस डीएफए को, और हम लोगों के पास स्टेट नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी वो कम हो जाएंगी। ओके, नीचे मैंने एक एग्जाम्पल भी देखी है, यू मेड अ मशीन ऑफ 6 स्टेट व्हाइल योर फ्रेंड डिजाइन सेम डीएफए ऑफ 4 स्टेट्स। मान लीजिए आपका एक जो फ्रेंड है, यहाँ पे मशीन की जगह आप डीएफए, ओके, जैसे मान लीजिए आपने एक डीएफए बनाया है जो कि 6 स्टेट्स है, जबकि जो आपका फ्रेंड है उसने जो डीएफए बनाया है वो 4 स्टेट्स का है। तो अब आप बताइए क्या, कौन सा जो डीएफए है वो अच्छा होगा, कौन सा ज्यादा डीएफए जो होगा वो इफिशियंट होगा। ऑफ कोर्स सी बात है 4 स्टेट्स वाला, क्योंकि उसमें स्टेट कम है। कोई मशीन होगी, अगर वही काम, एक एग्जांपल लीजिए, एक मशीन है उसको केवल 4 स्टेट तक जाना और इसके बाद वो फाइनल स्टेट में पहुंच जाएगी, और जबकि जो दूसरी मशीन है उसको 6 स्टेट के बाद तब वो फाइनल स्टेट में वही काम कर पा रही है। तो कौन सा अच्छा होना चाहिए? दूसरा वाला ना, यानी कि 4 स्टेट वाला है। ठीक है, तो ये क्या है, हम लोगों को किस तरीके से हम लोग रिड्यूस करेंगे डीएफए को, वो अब हम लोग पढ़ेंगे। समझ में आया कि इसका एप्लीकेशन कहाँ पे? ओके, अब देखिए कि कैसे हम लोग स्टेट को रिड्यूस करते हैं। मान लीजिए हम लोग पास 6 स्टेट है, ए बी सी डी ई एफ। अब हो सकता है जो ए और बी हो ये इक्विवेलेंट स्टेट हो, यानी कि ए बी को हम लोग क्या कर सकते हैं, साथ में लिख सकते हैं ए बी को। तो ये क्या हो गया, इक्विवेलेंट स्टेट, मतलब कि ये दोनों एक ही बार, मतलब इन दोनों को साथ में लिखा जा सकता है, तो ये इक्विवेलेंट स्टेट हुई। ये कैसे पता चलेगा कि ये इक्विवेलेंट है, ये अभी हम लोग आगे देखते हैं। ओके, देखिए, टू स्टेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट। कब ये दो स्टेट ए और बी इक्विवेलेंट होंगी? जब हम लोगों का ट्रांजिशन फंक्शन ए कॉमा एक्स फाइनल स्टेट पे जा रहा हो, ट्रांजिशन फंक्शन बी कॉमा एक्स फाइनल स्टेट पे जा रहा हो। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे, अच्छा एक्स क्या है, एक्स मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है, ये देखिए कि वेयर एक्स इज एनी इनपुट स्ट्रिंग। एक्स कोई भी इनपुट स्ट्रिंग हो सकती है, हो सकता है 0 1 हो सकता है ए कॉमा बी हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक, अब यहाँ पे ए स्टेट पर जब हम लोगों ने इनपुट मान लीजिए 0 दिया, ये फाइनल स्टेट पे पहुंच गया। बी स्टेट पर जब हम लोगों ने इनपुट 0 दिया तब भी वो फाइनल स्टेट पे पहुंच गया, मतलब फाइनल स्टेट होना चाहिए। अच्छा, ये भी जरूरी नहीं कि ये फाइनल स्टेट कौन सा, सेम फाइनल स्टेट है कि डिफरेंट फाइनल स्टेट है, ये भी मैटर नहीं करता। ठीक है, तो हम लोगों को देखना कि ये फाइनल स्टेट पे पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। ओके, और क्या कंडीशन है कि या तो स्टेट, मान लीजिए ए पर हम लोगों ने जो इनपुट दिया है वो फाइनल स्टेट पे ना पहुंचे, और जब हम लोगों ने ट्रांजिशन फंक्शन बी में कोई इनपुट दिया वो भी फाइनल स्टेट पे ना पहुंचे। मतलब हमारे पास कौन कौन सी कंडीशंस हो गई, हमारे पास कंडीशंस हो गई कि या तो जब हम लोगों ने ए और बी को कुछ ऐसे इनपुट दे रहे हैं जो कि फाइनल स्टेट में पहुंचे, या ए और बी को ऐसे इनपुट दे रहे हैं जो कि फाइनल स्टेट में ना पहुंचे, वो हमारे क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। अब देखते हैं कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं इक्विवेलेंसी के। तो 0 इक्विवेलेंस हो सकता है, 1 इक्विवेलेंस हो सकता है, 2 इक्विवेलेंस हो सकता है, एंड 3 इक्विवेलेंस हो सकता है। इसी तरीके से ये इक्विवेलेंस बढ़ते जाएंगे, nth इक्विवेलेंस भी हो सकता है। अब ये इक्विवेलेंस क्या होते हैं इनके बारे में डिस्कस करते हैं, कौन से इक्विवेलेंट 0 इक्विवेलेंट होते हैं, कौन से इक्विवेलेंट 1 इक्विवेलेंट होते हैं, कौन से 2 होते हैं, देखते हैं। इफ If mod of x is equals to 0, then a and b are said to be 0 equivalent. इसका मतलब, mod का मतलब क्या हो गया, length of x equal to 0, तो a और b जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 0 equivalent हो जाएगा। दूसरा, if mod of x equals to 1, then a and b are said to be 1 equivalent. अगर mod of x मतलब length of x कितनी होगी, 1, string की जो भी हम लोग input दे रहे हैं
उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, वन, तो हम लोगों का जो इक्विवेलेंट होगा वो कैसा होगा, वन इक्वल। इसी तरीके से अगर मॉड ऑफ एक्स मतलब लेंथ ऑफ एक्स इक्वल टू एन होगी, यानी कि एन लेंथ का स्ट्रिंग होगा जो भी हम लोग इनपुट देंगे, वो क्या होगा हमारा, एन इक्विवेलेंट होगा। तो और भी अभी हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।